ऐसा कहा जाता है ताकि बंदा उस गुनाह से लौट जाए, तौबा करे।
लाइट्स ले रहे हैं, लाल लाइट क्यों आ गई, ताकि उसमें दाखिल हो गए, वो वापस लौट गए। तो ये जो धमकी थी वो ऐसे खतरनाक सारे के सारे गुना है कि उसका करने वाला वो बड़े गुस्सा में, बहुत धीरे गुस्सा में। ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि जिस बंदों में जिन बंदों को इसका पता चल जाए वो इससे भी बस आए, क्योंकि अगर उसमें मुबतला है तो फिर अल्लाह उसमें जितने नाराज होते हैं वो बहुत सख्त नाराज होते हैं। और ये शाबान में रमजान से पहले अल्लाह ने इरादा रखी ताकि रमजान में आदमी ऐसे हाल में दाखिल हो कि रमजान में इन गुनाहों में से किसी गुनाह में वो मुबतला ना हो। रमजान में एंट्री जैसे बैतुल्ला में आदमी जाए तो बैतुल्ला की एंट्री कैसे करो, तो उल्लाह ने लिखा है कि बैतुल्ला में दाखिल होने से पहले आदमी को माफ़ी काफ़ी कर लेना चाहिए कि अल्लाह से भी उसका ताल्लुक अच्छा हो जाए, अल्लाह की शर्मों से भी। तो बैतुल्ला में दाखिल होने से पहले बैतुल्ला में दाखिल होने की तैयारी समझेंगे। आदमी हज में जाता है तो हज में असल दिन अरफे का है, नौ ज़िलहज का, लेकिन आठ ज़िलहज में उसको मीना में रोक देते हैं। तो मीना का क़याम वो सुन्नत है, वाजिब भी है, अगर किसी का छूट जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी वह क़याम करवाते हैं। क्यों? ताकि वहाँ उसको कल जो करना है उसका इस्तेहज़ार हो जाए, वो यकसू हो जाए। घर में से एकदम आदमी आया तो उसी मजदूरों के साथ, अब वो अरफा जाएगा तो अरफा जाकर वो क्या करेगा, अरफा तो कैसी मुबारक जगह है, मुज़दलिफ़ा कैसी मुबारक जगह है, तो उसको मीना में स्टॉप करवा देते हैं और मीना में स्टॉप करवा कर उसको यकसू कर देते हैं, तुम्हें तो यकसू हो जाए ताकि तेरा मन तैयार हो जाए कल की अल्लाह के सामने आज़ादारी करने के लिए। अरफात का दिन रोने का दिन, वहाँ कोई इबादत पैटर्न नहीं है। ये तो हमारे बुजुर्गों ने हमको समझाया कि ये करो ये करो, वरना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ फतवा दिया है और वहाँ अल्लाह के नबी ने नमाज़ें साथ में पढ़ी और उसके बाद लंबी दुआ की, पाँच घंटे की हुजूर की दुआ है, पाँच घंटे, इसको कहते हैं पाँच घंटे का असल था गुरू तक जवाब से अल्लाह के सामने दुआ असर पड़ी, फिर उसके बाद धोखा दिया, फिर उसके बाद दुआ। तो ये सारे मौके अल्लाह से माफ़ी और बख्शिश करवाने के होते हैं। तो अरफात ले जाने से पहले मीना में रुकवा देते हैं कि भैया रुक जाओ, और यहाँ रुक कर आदमी अपना मन बना ले अल्लाह के सामने आमोजारी माफ़ी का, अल्लाह के सामने इस्तगफार का। ऐसे रमजान जो आने वाला होता है उसकी तैयारी शाबान में करवाई जाती है। शाबान शाबान में आदमी को यकसू कर दिया जाए और शाबान में आदमी उन गुनाहों से माफी काफी कर ले कि जो बख्शिश में आड़े आती है, बख्शिश में रुकावट बन जाती है। क्योंकि रमजान के तीनों अशरे बड़े मुबारक है, पहला अशरा रहमत का अशरा, अल्लाह की रहमत ही रहमत, दूसरा मफ़िरत का, और तीसरा जन्नत की खलासी का। दूसरा अशरा अल्लाह ने मफ़िरत का बनाया और तीसरा जो बनाया वो जन्नत की खलासी का अशरा बनाया है। तो ये बहुत बड़े बड़े हफ्ते होते हैं, लेकिन उसमें बंदे साफ सुथरे अल्लाह के सामने एंट्री करें इसके लिए शाबान में तैयारी का मौका दिया। अरबी में शाबान का जो तर्जुमा होता है वो बिखर जाना, शाबुल ईमान, ईमान की फटी हुई शाखें। अरब लोग इस महीने में फैल जाते थे अपने काम काज के लिए, अपने घास पानी तलाश करने के लिए फैल जाते थे, तो फिर उनको जमा करना था, उनकी फिक्रों को गुस्सा में करना था। तो शाबान के महीने में ये उबार खराब कर रहे हैं और इंसानों को माफी काफी के असबाब पैदा हो रहे हैं। हम नहीं जानते हैं आखिरत कितनी भारी है, आखिरत इतनी सख्त भारी चीज़ है कि वहाँ कोई किसी के साथ नहीं। एक कोरोना ने सबको बता दिया कोई किसी के साथ नहीं, तो दुनिया में हम सब साथ रहते हैं इसलिए अभी खुशी में सब दुख में शरीक रहते हैं। हाँ, अभी खुदा ना करे कि मस्जिद जरा ही है, जरा है, तो यहाँ बेटा भी बैठा है, बाप भी बैठा है, तो कोई बाप बेटे के लिए रुकेगा नहीं मेरे बेटे को मैं लेकर नहीं, और कोई बेटा अपने अब्बा के लिए नहीं रुकेगा कि मेरे अब्बा को मैं यहाँ से लेकर नहीं। सब जो पहले जहाँ से भाग सकेगा वहाँ से भागेगा, हाँ जो जहाँ से खुद सकेगा वहाँ से खुलेगा। हम लोग दो चार साल पहले हमारे लिए जमा कर अल्लाह जी जान हमारा साथी खाना वाना बना रहा था और गैस की बोतल का पाइप निकल गया, तो आग लग गई किचन में, तो वो तो आग लगी है वो सीढ़ियों पर आ गई, जहाँ से हम करते थे वो सीढ़ियों पर, तो हम लोगों को टेंशन हो गया कोई खिड़की पर चला गया, कोई कहाँ चला गया, जहाँ से पूछ सकता हूँ
और पेंशन एक तो आग बुझाओगे खिड़की में से कूद जाएगा फिर नया रोड़ा खड़ा करें। अब ये सवाल तो करो तो आदमी को अपनी जान ऐसी बदली होती है तो उसको ये नहीं फिक्र कि जमात के साल में मैं कैसे बचाऊ। एक आदमी एक खिड़की पर है, एक आदमी उस खिड़की पर है, एक आदमी उस खिड़की पर है, ये टेंशन हो जाता है आदमी। अरे एक अपनी जान बदली है, जब दुख आता है तो कोई उस दुख में किसी का भागीदार नहीं होता। कल हम लोग एक बेटे के मशर थे बड़ा खर्चा किया। एक आदमी भी लेने नहीं आया, अपनी बिरादरी के बच्चों ने उसको चलाया। 45 साल का जज था और उसको सत्ता बहुत थी, फांसी तक की सजा देने की उसको सत्ता थी। तो ये कोरोना का जो जमाना गुजरा है उसने सबने सबको बता दिया कि कोई किसी का भी नहीं, कोई किसी के पास जाने को तैयार नहीं, कोई किसी को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी को अपने पास आने देने को तैयार नहीं। हमने यहाँ देखा सेंटर पर पास लोगों के इंतकाल हो गया तो रुखसत देने का मसला होता था, तो उनकी फैमिली में होती थी, उनको कहते थे भाई कुछ गुसल दे दो ना बाबा मानते लगा सकते। अच्छा उनको लेकर तो जाओ मुसलमान, एक जनाजा था तो हमने कहा भाई तुम अपने गांव ले जाना चाहते, ना ना तुम हमारे गांव भी मत भेजो यही दफन कर। ये दुनिया में अल्लाह ने झुकियाँ दिखाई, एक कोरोना का जमाना हुआ वो किसी के साथ खड़े रहने को तैयार नहीं, तो ये झुकी है। आखिरत में कौन किसके साथ रहेगा उसको हर आदमी समझ ले। हर एक को अपनी जान भली है, हर एक को ये मुझे कुछ ना हो, हाँ मुझे कुछ ना हो और मैं किसी का कुछ मदद कर सकता हूँ तो आदमी जरूर करता है कि मुझे कुछ ना हो, वरना जहाँ आदमी डैमेज होता है वो अपने आप को बचा लेता है, उससे ये नहीं होगा। अभी खुदा ना करे जमीन जरा ही ले मस्जिद, तो यहाँ से जो जैसे भाग सकेगा भागेगा, कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा। ये उसूली बात है, घर में बिल्डिंगों में जलजले आते हैं तो बेटे छोटे छोटे दब जाते हैं, मासूम दब जाते हैं, माँ बाप बाहर होते हैं, हालांकि उनको बहुत वाले होते हैं, लेकिन बात यह है कि जब मुसीबत आती है तो कोई किसी का भागीदार नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत मौत के बाद की मुसीबत है, बहुत सख्त मुसीबत है। हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया कब्र में जो होता है अगर लोगों को पता चल जाए कि तो लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें, ऐसी सख्त घड़ी है। आखिरत की मंजिलों में वो पहली मंजिल है, क्योंकि हमने वो नहीं देखी है इसलिए हमारे लिए वो चीज़ें सरसरी है। लेकिन अल्लाह पाक बंदों को उन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, उन घाटियों से, उन मरहलों से, इसलिए अल्लाह पाक ने ये बहाने बनाए। मुबारक रात है, मुबारक घड़ियाँ, मुबारक दिन अल्लाह बहाने बनाता है ताकि अल्लाह पाक किसी ताकि बंदे किसी तरह उन बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लें, गलत जिंदगियों से तौबा कर लें और सही रुख पर वो आ जाएँ। और अल्लाह के पास जब उनका जाना हो जाए तो अल्लाह के पास वो पाक साफ सही सुधरे जाए। ये अल्लाह इंसानों को वो रुख देना चाहते हैं। और कौन कब चला जाएगा भाई नहीं पता है। वरिष्ठा 15 शाबान में हमारे साथ कितने लोग थे, ये जितने कोरोना काल में गए हैं वो सब वरिष्ठा साल हमारे साथ थे और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये 15 शाबान हम नहीं देखेंगे और हम मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। हट्टे कट्टे सब चले गए, वो कल परसों जाने वाला 45 साल का जज था और गुज़िश्ता हफ्ते वो अपनी पूरी फैमिली के साथ टूर पर गया था और एक हफ्ते में चला गया था, 42 या 43 साल का जज था। अभी रोज 5 जनाजे उठ रहे हैं, रात को रिपोर्ट में पूछा क्या हाल है, तो रोज 5 जनाजे सिविल से जा रहे हैं। और हमारे डॉक्टर महमूद हुसैन सुना रहे थे कि रोज 20 पौड़ियों को 20 पौड़ियाँ होती है उसको आग लगाते हैं, हंगामा मचा हुआ है पूरी दुनिया में। तो अर्ज ये कर रहा था कि अभी हम आइंदा शाबान देखेंगे कि नहीं देखेंगे हमें नहीं पता। हर आदमी अपनी अपनी जात की फिक्र करने पर आए हैं कि मेरा कल का दिन है कि नहीं, उसके लिए अल्लाह पाक ने मुबारक घड़ियाँ मुबारक दिन बनाए हैं। अल्लाह पाक ने हमको रमजान के महीने के करीब कर दिया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम रमजान की दुआ 2 महीने पहले करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान वबल्लिगना इला रमजान। अल्लाह हमारे रजब में भी बरकत दे, हमारे शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे कि रमज़ान में आदमी की बड़ी बख्शिश हो जाती है, बहुत बड़ी माफ़ी हो जाती है, उस पर अल्लाह का रहमत करम निशान हो जाता है। किताबों में लिखा कि रमज़ान में बंदों को जो नेमतें मिलती है अल्लाह की तरफ से, अगर लोगों को पता चल जाए वो कितनी बड़ी बड़ी है तो वो ये तमन्ना करें कि अल्लाह करे कि पूरा साल रमज़ान हो जाए। इसकी वो तमन्ना करेंगे कि अल्लाह करे कि पूरा साल रमज़ान हो जाए। लेकिन चूँकि हम नेमतों को नहीं जानते तो रमज़ान भी भारी पड़ता है, रमज़ान की तरह भी भारी पड़ती है, रमज़ान के सारे अमल भारी पड़ते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं। खैर बहरहाल तो रमज़ान आएगा, उससे पहले ये 15 शाबान आती है। तो इन शाबान का महीना रमज़ान की तैयारी के लिए,
उसने हमें खुसूसन बड़े बड़े गुनाहों से तौबा की तलकीन की गई है, खुसूसन बड़े बड़े गुनाहों से। उनमें बड़ा गुना सबसे पहला जिनसे अल्लाह सख्त नाराज होते हैं वो है शिर्क का गुना। अल्लाह के साथ कोई शिर्क करे तो अल्लाह पाक उससे नाराज होते हैं, तो सबसे पहला शिर्क का गुना। सबसे पहला शिर्क का गुना अल्लाह का एहसान है हमारा मजमा उसमें मुबतला नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा गुना है वो माँ बाप की नाफरमानी है, आप पढ़ने वाले नहीं, माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप की नाफरमानी वो है कि भाई जो हमारे माहौल में आमतौर से थोड़ा बहुत हो जाता है, और एक ये है हमने अपने माँ बाप को हमसे नाराज कर रखा है, तो ये नाराजगी बहुत बड़ी चीज़ है और ये आजकल माहौल में बहुत ज़्यादा है। बच्चे बहुत जली हो गए हैं, बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं, माँ बाप की कोई परवाह नहीं करते, माँ बाप के मर्तबों की कोई परवाह नहीं करते, उनके साथ कैसी भी जबान इस्तेमाल करते हैं। और खसूस लड़के जो है वो अपने माँ बाप के सख्त नाफरमान होते हैं। आप अपनी पूरा मजमा देख लें, हम अपने घर वालों को जितना टाइम देते हैं उसका दसवां भाग अपने माँ बाप को देते हैं। मैं अपनी बीवी को 8 घंटे देता हूँ, क्या अपने माँ बाप को मैं 80 मिनट देता हूँ, 8 घंटे उनको देता हूँ, 80 मिनट अपने माँ बाप को देता हूँ। आज के आज के बच्चे अक्सर अपने वालिदैन के हुज़ूर इस्लाम से पूछा गया क़यामत कब आएगी, तो फरमाया कि जब बच्चे लड़कियाँ माँ बाप की नाफरमान हो गए। लड़कियाँ क्या मतलब इसका कि लड़के अक्सर माँ बाप के नाफरमान हो गए, इसलिए माँ बाप की इताअत है। उलमा ने लिखा है कि बाप की कमाई, माँ बाप अगर अपने साथ खाने बैठने को कहें और उनका माल शक वाला हो तो शक वाले माल से तो बहस करने का हुक्म है, फिर भी बाप की हमदर्दी में उनके साथ बैठ जाओ और शक वाला माल खा लो, उनकी नाफरमानी न करो। माँ बाप की नाफरमानी से सब, तो हम माँ बाप की नाफरमानी करें, हम माँ बाप की ज़ियारत हो जाए। ये पता है कि माँ बाप की ज़ियारत अल्लाह ने कितना बड़ा रखा है, इतनी बड़ी लालच उनको दी कि वालदा की एक मोहब्बत भरी निगाह डालना वो माँ को देखना हज मकबूल हज का सवाब रखता है। हमको लालच क्यों दी, जानते थे कि ये नहीं जाएंगे, ये ऐसा ही करेंगे, तो हमको कम से कम लालच दी भाई जा अल्लाह ने तेरे लिए बड़ा दर्जा रखा है कि तू मोहब्बत की निगाह से अपनी माँ को देखेगा, तेरे लिए मकबूल हज का सवाब है। उनके उनके सामने तेज निगाह न करें, हमारे माँ बाप को नाराज न करें। किताबों में आता है जब तक अल्लाह राजी नहीं होंगे, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक हमारे माँ बाप हमसे राजी नहीं होंगे। बीवी के लिए तो उसके शोहर को राजी करना पहले रखा है, लेकिन शोहर के लिए सबसे पहले माँ बाप। हम उनके पास जाकर बैठो, हमारे पास क्या मांगते हैं, हमारे पास कुछ मांगते हैं हम फिर भी उनके पास जाकर बैठते भी नहीं। मैंने बहुत माँ को देखा, बाप को भी देखा, मेरे घर आकर शिकायत की माँ ने कि मेरा बेटा मुझे साल में एक मरतबा मिलने आता है, साल में एक मरतबा मिलने आता है, वही रहता है। बाप ने आकर शिकायत की, मेरे घर पर आकर के बेटा खर्चा कर देता है। तो ये माँ बाप को हम परेशान करें, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लें, वरना दुनिया में ऐसा भुगतने की तैयारी कर लें, आखिरत तो है ही, हम ये गुनाहों से तौबा करें। इसके लिए अल्लाह ने मौका दिया है, ये मुबारक घड़ी आता है कि रमजान में हमारी एंट्री गुनाहों से पाक साफ की है, उसमें एक शिर्क है, दूसरा माँ बाप की नाफरमानी है, और तीसरा अल-मुशाहिद, दिल में मुसलमानों का बोझ रखना, कीना रखना, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चर्चे उसके चर्चे, इस दिल में मुसलमानों की कोटर भाई भूलें सबसे होती है। दुनिया में कोई है जो बगैर मुल्का हो, बगैर ऐप का हो, बगैर ऐप के अल्लाह की जात है, बगैर बांधे वाले, बगैर भूलों वाले खाली अल्लाह है, बाकी सारी अम्बिया को अल्लाह बचा कर रखते हैं, वो मासूम है, अल्लाह उनको बचा कर रखते हैं, और सारी दुनिया में सबसे भूले होती है, सहाबा महफूज है। हम लोगों की भूलों से लोगों के तस्करे गाएंगे, पता नहीं जिसकी मैं तस्करे कर रहा हूँ वो कब अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर ले और मैं उससे चर्चे कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की निगाह से कह रहा हूँ। इसलिए मुसलमानों की बेइज्जती न करें, हम मुसलमानों का कीना दिल में न रखें, एक एक ईमान वाला वो कीमती है, तो किसी मुसलमान के साथ भूल भाई कुछ हो गया भूल जाओ उसको, भूलने की आदत रखें, हम भूलते नहीं है, हम रोज उसको याद करते हैं, बच्चों के सामने उसका जिक्र करते हैं कि वो ऐसा हुआ ऐसा ना, हम उन चीज़ों को भूलें। हमें नहीं पता कि किसने अल्लाह के सामने कब कैसी तौबा कर ली है और उस तौबा ने उसको कैसा बड़ा बुजुर्ग बना दिया है, इसलिए इससे बहस करें। और चौथी बात कि शारिबुल खमर, शराब का पीने वाला, अल्लाह का एहसान है तुम्हारे पास ऐसा मजमा कोई नहीं। और पांचवा आदमी है घमंड और तकब्बुर से अपनी इज़्ज़त को तखनों से नीचे लटकाना। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो किसी की इज़्ज़त भी नीचे चली जाती है वो अलग बात है, और एक उसके अंदर बड़ाई हो अकड़ हो, और वो बड़ाई और अकड़ में और तो ये तकब्बुर की जो शर्त है वो बहुत भारी है। आदमी अपने आप कुछ दिखाने के लिए ऐसे लिबास बनाता है
अपने आप अल्लाह कह रहे हैं कि दिखाने वाली जात तो अल्लाह की है, बल्कि बढ़िया और इधर ही बढ़ाई अल्लाह को शुक्र किया। हम कौन है? हम बहुत कमजोर हैं, थोड़ी सी सर्दी ने हमको मुतासर, थोड़ी गर्मी हमको मुतासर करती है, तो हमको जरा भी पढ़ाई के बोल अल्लाह को पसंद नहीं है। तो कोई पढ़ाई के बोल ना बोले, अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज़ बनाए। इसके लिए हुक्म है अल्लाह की बढ़िया और इधर ही फमन्ना साहू अन्नी तदफ्तु फिन्ना, ये पढ़ाई अल्लाह के बोल है, जो पढ़ाई के बोल बोलेगा अल्लाह उसको मुंह में पकड़ के। तो इन सारी बातों से हमारी तौबा हो जाए, इस्तिग़फ़ार हो जाए, अल्लाह के सामने माफ़ी हो जाए, और इन इन गुनाहों की माफ़ी के साथ हमारा रमज़ान में दाखिला हो जाए। इसलिए हम कोशिश इसकी करें, एक कोशिश इस बात की करें कि इन तो अगर हमने से कोई आदमी एक एक रह जाए आते हो रहम, अपनी अपने रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी किसको कहते हैं? पेट की जो रिश्तेदारी कि जो नसब होता है, पापा के सगे भाई हैं उनसे रिश्ता, पापा की सगी बहने हैं, अम्मी के सगे भाई हैं, अम्मी के सगी बहने हैं, अब्बा के चचा, अम्मी के चचा, अब्बा के मामू, मम्मी के मामू, ये जो पेट के रिश्ते हैं वो सारे के सारे बहुत काबिल एहतराम हैं। अक्सर विवाद उन्हीं में होता है, मीरास का विवाद हो गया, गमी का, खुशी का, शादी का, फंक्शन का, वो नहीं आए थे, उसने ये नहीं किया था। तो अक्सर जो झगड़े होते हैं वो फैमिली वालों के साथ होते हैं, बाकी मामूली मामूली बातों में फैमिली वालों से ओला कर देता है, काट देता है अपने आप को। अल्लाह को बहुत नापसंदीदा चीज़ है। आप देखें इतने ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि अपनी सगी माँ से नहीं बोलते, मैं मुझे कहने लगा ये माँ और बेटी है, एक घर में एक ही बेटी और एक माँ है, दोनों का चूल्हा अलग है, दोनों का चूल्हा अलग है। मुझे कह रहा है कि इनको समझाने का है, मैं हैरत कर गया कि ऐसा भी कभी देखा है कि माँ और बेटी एक घर में रहे और दोनों का चूल्हा अलग हो? माँ बेटी माँ लजाजत कर दिया बेटी ने, उसके साथ खाने को तैयार नहीं। तो ये रिश्ते मामूली बातों मामूली बातों में, इन रिश्तों किसी ने क्या किया उनको भूल जाए, हमें क्या करना है, हमें अपने रिश्तों को संभालना है। इसलिए ये चीज़ ये खुदा ना करे अगर गुनाहों में हम किसी में मुब्तला है, रमजान के आने से पहले हम इसकी तैयारी कर लें, इन सारे गुनाहों से हमारी तौबा और इस्तिग़फ़ार हो जाए। और एक आखिरी बात कि हम अपनी कमाइयाँ हलाल करें, हलाल हलाल कमाइयाँ बहुत बड़ी चीज़ है। हलाल कमाइयाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मफहूम है कि जो जिस हराम की कमाइयों से पला है वो और जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में, जहन्नम उसके लिए तैयार है। इसलिए अपने तिजारतों को बहुत साफ करें, शराबी कोई उसमें ऐसी चीज ना हो कि जो हमारी आखिरत को खराब कर दे, और उसकी शक्लों की निगरानी करें। अल्लाह के नबी सल्लम की बात का मतलब है आखिर जमाने में सूद, सूद ऐसा घरों में घुस जाएगा, सूद के जैसे गाय के नथने में रास्ते पर वो चलती हो और जैसे मिट्टी घुस जाती है, ऐसे सूद से कोई बच नहीं पाएगा। अजीब अजीब किस्म के सौदे होंगे जिसमें सूद हो जाएगा। इनसे गरीबों का हम शोषण न करें, शोषण मेरे पास एक मजदूर है तो उस मजदूर का मैं शोषण करूँ, ड्राइवर का शोषण करूँ, हम किसी का शोषण न करें। ये मजबूरी है, बेचारा वो हमारे पास काम करता है तो हम उसका शोषण करें। मुझे बहुत ताज्जुब होता है, एक फकीर हमारे पास मांगते हैं तो उसको 50 रुपए दे देते हैं, एक फकीर मांगते हैं उसको 10 रुपए दे देते हैं, 25-50 रुपए का तालन कर देते हैं, और हमारे ड्राइवर का कंडक्टर का चार चलाने का हम हिसाब करते हैं कि चलाने का, हाँ हिसाब पौड़ी पौड़ी का वो होना चाहिए, लेकिन बख्शिश भी तो भाई करो, हिसाब पौड़ी का कर लिया बख्शिश भी बेचारे को। तो जो अपनी जात मेहनत से कमा कर खाता है उसको हमें रुपया भी जाने को तैयार नहीं, और जो खुल्ला खुल्ला भीख मांगता है, हट्टा कट्टा है, उसको 10 रुपये 20 रुपये 25-50 रुपये हम आराम से दे देते हैं, उस पर दया खाते हैं, हालांकि वो हट्टा कट्टा कमा कर खा सकता है उस पर दया खाते हैं। और जो अपने बीवी बच्चों के लिए कमा कर खाता है, थकता है, उसको 2 रुपये ज्यादा देने को दिया नहीं, हालांकि हकदार ये था कि मैं इसको जरा ज्यादा दे दूँ। मैं मालूम तो करूँ तेरे कितने बच्चे हैं, ये बेचारा अपने कैपेसिटी जितना ही तो मेहनत कर सकेगा, 300 रुपये 400 रुपये कमा सकेगा, तो ला उसके 5 बच्चे हैं, मैं 2-5-25 रुपये उसको ज्यादा दे दूँ, इसके 6 बच्चे हैं 10 बच्चे हैं 2-5 रुपये ज्यादा दे दूँ, तो उसको तो मैं हिसाब किताब से देता हूँ। और फकीर मांगने आया, फ्री में मांग रहा है, आप एक एक फकीर को देखो रोजाना के 200-200, 500-500, 1000-1000 रुपये कमा कर 1500 रुपये कमा कर जाता है, और ये हट्टा कट्टा बेचारा कमाने आया है उसको हम शोषण कर डालते हैं। इसलिए गुजारिश ये है अपने अपने इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिन जिनके साथ कर रहे हैं हमारा, वो काम करते हैं हमारे साथ रहते हैं, ये बेचारा साथ कमाई करके खाता है तो वो काबिले हमदर्दी है, वो काबिले एहसान है। इसलिए रमजान से पहले हम सब नियत करें कि इंशाल्लाह इन चीज़ों में अगर हम मुब्तला आए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह रमजान में दाखिल होने की तमन्ना करते थे इस तरह इंशाल्लाह हम रमजान का इस्तिग़फ़ार करेंगे। वैसे हम नियत करते हैं अल्लाह रसूल की तौफीक दे, कबूल फरमा, सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह व हमदिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।